हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और यार, इस वीडियो में हमने लिया एक मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू या क्या चीज़ होती है कि आपको एग्जैक्टली सिमुलेशन हम देने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ वहाँ पे कैसा होगा। जैसे प्री और मेंस के मॉक होते हैं, वैसे ही मेन इसका इंटरव्यू का भी मैं मॉक कंडक्ट करवाता रहता हूँ जितना मेरे को टाइम मिलता है। तो इस पूरी वीडियो का फ्लो जो रहेगा, प्रोसेस जो रहेगा, वो ये है कि पहले मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, फिर मैं उनको फीडबैक देता हूँ, फिर मैं उनको बताता हूँ कि 10 में से आपको मैं कितने मार्क्स दूंगा, और उसके बाद उनके जो डाउट्स आते हैं मन में वो मैं क्लियर करता हूँ उसी टाइम। तो आपको ये वीडियो का तभी फ़ायदा होगा अगर आप देखेंगे कि सवाल किस हिसाब के पूछे जाते हैं। उसके बाद आप जब पूरा वो देखेंगे, उन्होंने कैसे जवाब दिए, फिर मैंने कैसे उनको फीडबैक दिया, तो मतलब कहाँ पे वो बेटर कर सकते थे या फिर कहाँ पे वो चीज़ें उन्होंने बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी, और उनके मार्क्स कितने आए और उनको आप मार्क्स कितने देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर आप अच्छे से देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप भी मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं रवि शर्मा को, तो आप टेलीग्राम चैनल चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल्स दी हुई है कि हाउ यू कैन गिव इंटरव्यू टू मी, ठीक है। सो दैट्स इट, तो आप स्टार्ट करते हैं। आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। सर, मेरा नाम आनंद पारिक है, मैं राजस्थान के एक गांव रामपुरा से हूँ जो सीकर जिले में स्थित है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ सेखावटी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है। सर, मेरे पिताजी का नाम मनोहर लाल पारिक है, वो एक कॉन्फेक्शनर है, और सर मेरी हॉबी बाइक राइडिंग है। बाइक राइडिंग है, अच्छा। आपने बोला कि आपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बाद ये कहाँ बैंकिंग वगैरह में आप आने की सोच रहे हैं? आपका जो पढ़ाई है उससे तो बिल्कुल अलग है ये चीज। सर, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन सर मैं जहाँ तक बताना चाहूँगा कि मैंने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की थी। उसके बाद मैंने IIT में जाने के लिए सोचा था, लेकिन वहाँ हो नहीं पाया, तो उसके बाद ग्रेजुएशन करी मैंने। और ग्रेजुएशन के बाद क्या है कि सर, बैंक के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन ही है, और ग्रेजुएशन जिस स्ट्रीम में मैंने 12th की थी उसी में करना मैंने बेटर समझा, और उसके बाद मैंने बैंक में आया। और सर, बैंक में आने के भी काफ़ी, बैंक में जॉब के लिए भी सर काफ़ी रीजन है। जैसे बैंक में सर, एक तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, और एक अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए सर, इसलिए मैंने बैंकिंग सेक्टर को चुना। आप बैंकिंग के बारे में क्या जानते हैं, बैंक क्या होता है? सर, बैंक एक जो जिसे लोन चाहिए और जिसे अपना अमाउंट डिपॉजिट करना है, उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का कार्य करता है। बैंक का जो मेन पर्पज है वो बैंकिंग है सर। थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे आप इसे? सर, बैंकिंग ये है कि एक बैंकिंग सर, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके सर, सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगा, इसका जो एक्ट है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इसकी जो परिभाषा है वो ये दी गई है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और इसका जो पर्पज होता है वो लोन देने के पर्पज से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और जब कस्टमर को जरूरत पड़ने पर चेक या किसी और अन्य माध्यम से उसको जो डिपॉजिट है वो रिटर्न करता है। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है? सर, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सर सॉरी सर, मैंने इसके बारे में मुझे याद नहीं आया। और जो जिसका आप इंटरव्यू देने आए हैं RRB, उसकी स्थापना कब हुई थी और RRB को खोलने की जरूरत क्या पड़ गई जब पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक थे तो? जी सर, भारत में ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, लेकिन उसकी ब्रांच किसी रूरल एरियाज में बहुत कम थी, लेकिन रूरल एरिया में बैंकों की पहुंच कम थी, और यदि प्राइवेट सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक को वहां खोला जाए तो उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो एक लो कॉस्ट बैंक की स्थापना के लिए, और जिससे कि रूरल एरिया में किसानों और जो रूरल एरिया के लोग हैं उन तक बैंकों की पहुँच ज़्यादा हो, इसके लिए नरसिम्हा कमेटी के द्वारा सिफारिश करी गई RRB बैंक के लिए। जो प्रथम RRB बैंक है उसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई, और इसके लिए जो एक्ट है वो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया गया, और सर इसका जो एक्ट है वो RRB एक्ट 1976 में आया। जो आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में कौन कौन से ये RRBs हैं, आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में?
सर राजस्थान में सर दो आरआर भी है, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, और सर इसके अलावा दूसरा बैंक है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आपको शायद ये पता होगा कि जो आरआरबीज होते हैं उनको कोई एक बैंक स्पॉन्सर करता है, तो स्पॉन्सर जी हाँ बैंक सर। आपके राजस्थान में जो आरआरबी है उनका कौन है स्पॉन्सर? सर इसमें जो मरुधरा ग्रामीण बैंक है उसका स्पॉन्सर बैंक है SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और सर राजस्थान बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसका इस टाइम पर सॉरी सर उसका जो स्पॉन्सर बैंक है वो बड़ौदा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी आपको कुछ रिसेंट में कुछ बैंकिंग की कोई न्यूज़ वगैरह कुछ ख्याल में है? जी हाँ सर, मैंने एक आरआरबी में ही अमेंडमेंट आने वाला है जो पढ़ा था सर, आरआरबी अमेंडमेंट जो 2015 है सर, इसके अनुसार जो क्या कि इसमें आरआरबी जो पहले हिस्सेदारी जो अभी चल रही है, जैसे स्पॉन्सर बैंक की 35% है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसकी 15% है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी 50% है, उसे चेंज करके इसको ओनली 51% किया जाएगा पूरी को ही, और उसके अलावा जो बाकी 49% है वो आरआरबी अपना अपने पास जो कैपिटल है उसको बढ़ाने के लिए उसको उसको आईपीओ उसके लिए आईपीओ ला सकता आईपीओ से आपका क्या तात्पर्य है? है सर। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक लैंडिंग सर, इसमें क्या है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर को फर्स्ट टाइम जब पब्लिक में अलॉट करती है, जो अलॉटमेंट होता है उसका सेबी के अंदर, तो सर ये आईपीओ कहलाता है। तो जो जो कैपिटल मार्केट है और मनी मार्केट है इसमें फर्क बता पाएंगे आप? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। एक जो मान लो आप एक कस्टमर हैं, ठीक है, तो जी आप हाँ एक सर। चेक लेके जाते हैं, तो चेक लेके जाते हैं कभी आप डीडी हाँ लेके सर। जाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, इन दोनों में क्या फर्क होता है? हाँ सर। सर चेक तो क्या कि चेक यदि हमारे बैंक में हमारे अकाउंट में यदि बैलेंस नहीं है तो अपन उसको पहले जारी करके आगे की डेट में और उसके बाद भी बैंक में अमाउंट डाल सकते हैं, लेकिन सर जो डीडी होता है डिमांड ड्राफ्ट उसमें क्या कि बैंक वो बैंक के द्वारा साइन होता है, हमें पहले अपने अकाउंट में जमा डिपॉजिट करनी होती है और उसके बाद जो डीडी है वो बैंक लिख के देता है अपन, इतना डिफरेंस है सर, और दोनों ही सर दोनों से ही अपन अमाउंट बैंक से प्राप्त करते हैं। आज 30 अक्टूबर है, तो अगर मैं आज की डेट में एक चेक काटता हूं तो वो कब तक वैलिड होगा? सर आज की डेट से 90 डेज के लिए। करेक्ट। आपकी जो प्लेस है आपने बोला राजस्थान है, ठीक है, तो राजस्थान जी हाँ का सर। बहुत ही रिच कल्चर है, तो जी जो हाँ। इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सीकर जिले में आप मतलब सीकर जिला क्यों फेमस है, ये मेरा क्वेश्चन है। सर सीकर जिले में एक तो क्या है, जो खाटू श्याम जी मंदिर है जो पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है सर, और दूसरा हर्षनाथ पर्वत जो एक पर्यटन स्थल है। सीकर जिले में मुख्यतः ये दो ही फेमस चीजें हैं। और राजस्थान से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में एक मेडल लेके आए भारत के लिए? सर ए लेखरा सर, उनके जो कास्ट है वो तो लेखरा है, लेकिन मुझे उनका नाम शायद अंजलि लेखरा होगा जहां तक मुझे याद आ रहा है सर, शायद क्योंकि ओलंपिक में इसके बारे लाया, में मुझे प्रॉपर आप श्योर हैं इस बारे में? सॉरी सर मैं श्योर नहीं। आपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम नहीं सुना? जी हाँ सर, सुना है सर, जो जयपुर से सांसद हैं, जयपुर ग्रामीण से। वो एक शूटर भी थे, ओलंपियन भी हैं, और शायद वो एक मेडल भी लाए थे। ठीक है, तो अब मुझे ये पूछना आपसे कि आपने BSc कर ली, ठीक है, अब आप बैंकिंग में भी आने की सोच रहे हैं, ठीक है, आपने जैसे बोला कि ग्रेजुएशन फील्ड आपकी अच्छी थी तो आपका दिमाग वगैरह बहुत बढ़ गया होगा, तो क्या आप आरआरबी ज्वाइन करने के बाद भी आगे एग्जाम्स वगैरह देंगी, और क्या आपको मौका मिलेगा तो आप छोड़ देंगे आरआरबी? सर मेरा जो क्या कि मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं गांव में ही रहा हूँ, और सर मैं गांव में ही रहना ज्यादा पसंद करता हूँ, तो इसीलिए सर आरआरबी मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा। तो आप कोई एग्जाम नहीं देंगे इसके बाद? सर इसके अलावा भी मैंने बैंकिंग और भी एग्जाम दिए हैं सर, IBPS भी दिया है, SBI POB भी दिया है, SBI POB में देने की सोच रहा हूँ, लेकिन सर यदि मेरा आरआरबी में सिलेक्शन होता तो वही जॉब मेरी जो प्रियोरिटी है वही रहेगी।
उसके बाद में कोई एग्जाम नहीं दूंगा। ठीक है, आपने जो ये हो सकता है कि सर आरआरबी में प्रमोशन के लिए एग्जाम दे सकते हैं। करेक्ट, आपने जो अपनी हॉबी बताई कि बाइक राइडिंग है, तो ये हॉबी आपकी कैसे डेवलप हुई और आप मतलब कितने दूर दूर तक राइड करने वगैरह कब जाते हैं ये बताइए, आप कैसे इस हॉबी को आप परस्यू करते हैं साथ साथ? सर बाइक राइडिंग जो हॉबी है वो मेरी ग्रेजुएशन में डेवलप हुई सर। सर जब मेरा लाइसेंस बन गया था उसके बाद में मेरे पिताजी ने मुझे एक बाइक गिफ्ट करी MT, जो सर स्टार्टिंग में तो उसे मैं अपने गांव से कॉलेज जाने के लिए काम में लेता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसके बाइक के बारे में और जाना आसपास के, फिर मेरा सर मुझे घूमने का मुझे हमेशा से ही शौक रहा है। मैं दूसरी जगह ज़्यादातर घूमना बहुत पसंद करता हूँ, तो इसके लिए सर मैंने बाइक राइडिंग ही, जो क्या कि मेरे पास खुद का व्हीकल था तो मुझे उसी से ट्रेवल करना ज़्यादा सही लगा। जी लास्ट सर लास्ट आप मैं कहाँ पे या हैं, तो लास्ट राइड आप कहाँ पे गए थे? सर लास्ट राइड मेरी सीकर से उदयपुर हुई थी सर, ठीक है, उदयपुर सीकर सर, ये 400 किलोमीटर अच्छा तो 400 किलोमीटर आपने राइड की थी। ठीक है, तो उदयपुर से, उदयपुर किस चीज के लिए फेमस है? और मुझे राजस्थान से और आपसे तीन तीन फेमस लोगों के बारे में जानना है, किसी भी तीन फेमस लोग, और वो किसके क्षेत्र में फेमस थे और उदयपुर किस लिए फेमस है, मुझे ये बता दो आप। सर। उदयपुर को बेसिकली जीरो नगरी कहा जाता है और उदयपुर पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश में एक अग्रणी भाग में सर। और राजस्थान से सर तीन फेमस लोग तो सर, पहले तो श्रीमान अशोक गहलोत जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सर। दूसरे फेमस व्यक्तित्व है जिनके बारे में आपने खुद बताया था, डॉक्टर राजवर्धन सिंह सर, और तीसरे फेमस पर्सनैलिटी हैं सर श्रीमती वसुंधरा, सॉरी सर श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जो मुख्यमंत्री रहे पहले अच्छा बार। ठीक है, तो लास्ट सवाल मेरा ये है कि बाइक के किसी भी आप पांच पार्ट का नाम बताइए। सर क्लच, एक्सलेटर, ब्रेक, मड गार्ड और सर चेन स्प्रोकेट। चलो सही है, तो बस अभी आप भी थोड़ी क्लास वगैरह लोगे तो हमारा इंटरव्यू नहीं रहेगा, थोड़ा सा फीडबैक पार्ट पे आते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई मेरे से थैंक सवाल है तो आप यू पहले वो पूछ लीजिए। एंड थैंक यू सो मच सर। बस मेरा सर कोई आप सवाल नहीं। नहीं, इंटरव्यू खत्म हो चुका है, वैसे अगर आपको कुछ और जानकारी के लिए पूछना है तो आप पूछ सकते सर हैं। मेरा कोई सवाल नहीं ठीक है, है कोई बात नहीं, अब हम आते हैं फीडबैक पार्ट पे। ठीक है, तो 10 में से अगर मैं आपको नंबर दूं तो मैं दे दूंगा आपको 6.5-7 नंबर के आसपास दूंगा। आपकी ये अच्छी बात है कि आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है उसमें अच्छे से जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सम्मान के साथ और बिल्कुल धैर्य के साथ दे रहे हैं जवाब, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी चीज कि आपने जो ग्रेजुएशन किस फील्ड में की है, उसके बाद बैंकिंग में क्यों जा रहे हैं, उसका भी लगभग ठीक ठाक जवाब दिया है। ठीक है, उसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कि जो मेरी एनालिटिकल स्किल्स वगैरह डेवलप हुई है ग्रेजुएशन में, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आगे। ठीक है, और मैं थोड़ा कंप्यूटर काफी मतलब टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल हूँ, इसलिए भी मैं एक अच्छा एसेट बन सकता हूँ बैंक के लिए। ठीक है, और तीसरा कि आप गांव से, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि आप गांव से हैं तो आप गांव से जुड़े हुए रहना चाहते हैं। इसके साथ आपको ये जोड़ना है कि जो गांव के लोग हैं उनसे मेरा काफी जुड़ाव है, तो उन एक सेवा भाव से भी मेरी नौकरी भी हो रही है और मैं सेवा भाव से उनकी थोड़ी सेवा भी कर पा रहा हूँ। और ऊपर से आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपने डेफिनेशन बता दी लेकिन आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड यूज करके थोड़ा सा, हाँ सर क्योंकि वो वो वर्ड यूज फाइनेंशियल नहीं कर इंक्लूजन के पाए लिए भी थोड़ा सा जितना मेरे लेवल पे मैं कर पाऊंगा लोगों को जोड़ पाए, आरबीआई भी चाहती है तो हम भी थोड़ा सा उसमें भागीदार बने। ठीक है, उसके बाद सर। एक क्वेश्चन आपको मैं 7.5 दे देता पर मैंने आपको 6.5 इसलिए दिए क्योंकि एक क्वेश्चन का आपने बिल्कुल ही गलत जवाब दिया, गलत मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं है। देखो, जो पॉलिटिशियन हाँ होते हैं सर वो फेमस नहीं होते हैं, आपने सारे ही पॉलिटिशियन के हाँ नाम सर लिए। ठीक है, वो फेमस पर्सनैलिटी सर बिल्कुल मुझे ना जीरो सर है, ये किस्म मैंने बिल्कुल नहीं सर वो जीरो है, ये किस्म मैंने आपने बिल्कुल सिर्फ नहीं खाना बताई पूर्ति की है। अगर आप बोल देते कि सॉरी सर मेरे को नहीं पता, तो वो ज्यादा बेटर आंसर होता।
ठीक है, तो वो एक मुझे इस अच्छी बात का मैं ध्यान लगी कि आपने रखूंगा। दो, एक पूर्व मुख्यमंत्री बता दिया, एक अभी का बता दिया, और एक बनने वाला है वही मुझे आपने बिल्कुल भी बताया। याद नहीं आ रहा था इसका। ठीक है, तो आपको अपनी जो प्लेस है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानना है, जी हाँ और भी जितना राजस्थान और अपने सीकर के बारे में पढ़ सके आप प्लीज उसके बारे में पढ़िए। और आप ये भी पढ़िए कि सीकर किसके लिए फेमस है, कि इंडस्ट्रीज कौन सी है वहां पे, बिजनेस परस्पेक्टिव में देखना चाहता था। ठीक है, तो कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए सीकर फेमस है मुझे वो देखना है, और क्या है कि पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, सब मतलब एक डेवलप्ड एरिया बनता जा रहा है, अगर स्मार्ट सिटी में भी इसका नाम है तो आप लोग डाल सकते हैं वो भी। ठीक है, तो हाँ ये सर, चीज है। और ग्रेजुएशन से मैंने आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे कि आपका कौन फेवरेट था या फिर आपका सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट था, और मैं सब्जेक्ट के अंदर भी नहीं घुसा जो कि घुस सकते हैं इंटरव्यू वाले। ठीक है, एक ये हाँ सर, होगी, बाकी बैंकिंग की आपकी ठीक ठाक थोड़ी नॉलेज है बेसिक, क्योंकि इससे ज्यादा मैं पूछना भी नहीं चाहता आपसे, पहले ही मैंने थोड़ा सा एक दो सवाल ऊपर ही पूछे, तो बैंकिंग बैंकिंग वगैरह की आप थोड़ा सा और एक दो बार देख लो ऊपर ऊपर से, और थोड़े करंट अफेयर्स और ये बैंकिंग का देख लेना। ठीक है, जो बैंकिंग बेसिक्स है, बाकी ठीक है आपका सब, आप आराम से अच्छा करेंगे, थोड़ी सी और तैयारी कीजिए और बाकी सब सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही है थैंक यू सर। हाँ इंटरव्यू। आप अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने सर, अभी आपकी क्लासेस अभी है? मैं क्लासेस, हाँ सर जो क्लासेस सर, शुरू बैंकिंग क्लासेस चल रही है हो गई होगी, चलो फिर आप जाओ। ठीक है, सर, अभी और शुरू नहीं होने वाली है। हाँ भी नहीं है ना, चलो चलो जाइए, आपका समय थोड़ा खराब नहीं किया मैंने, चलो दैट इज इट, बाकी देखते हैं और इंटरव्यू भी लेने का मौका मिला तो जरूर। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।